एक बार मेरा हवाई जहाज भी हाईजोकर ने हाईजैक कर लिया। अच्छा हाँ, हाईजोकर ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या हुआ राजा जी? लिफ्ट मांग के चढ़ गए। अच्छा, मोह दया आ गई, मैंने बैठा लिए। फिर मुँह कहा पता ही कि हाईजोकर है। फिर कहा तान दी बंदूक मेरे सीना पे। बंदूक? हाँ। अरे भाई हम भी कौन सा कम थे, गांव का देसी घी जो खाया। मैंने निकाला अपना लट। फिर मेरा लट पांच गांव में मशहूर है, और जो घुमाया उसके बाद हाई जो कर तो कहा हमारे गांव में आज तक जहाज बिना दिखे। अच्छा जी, अच्छा जी। एक बार की और सुनो, पिछली बार की बात है, वो सबसे बड़ा जहाज जो पानी का है मैं उससे यात्रा कर रहा था, और क्या नाम है उसका, टाइटैनिक। अच्छा भाई, वो भी डूब गया पानी में। वो तो मुझे तैरना आता था, मैं बची आया। अबे ये जरूर टाइटैनिक की बात कर रहा है जो इतने साल पहले डूबा था। साल पहले? अरे पिछली बार ही तो डूबा। अबे तूने पिक्चर देखी होगी, नई नई आई है। पिक्चर भी बन गई, मुझे पता तक ना पिक्चर बन गई, मैं बता तो देख लो। वैसे बड़े बड़े आदमी की फिल्म बनती रहे, अखबार में छाते रहे, पता भी ना चले, बताते ही ना। खैर छोड़ो भाई, एक बात है ना, तो आजकल हवाई जहाज सुरक्षित ना पानी के जहाज सुरक्षित, अब खतरा ही खतरा है। अपनी रेलगाड़ी ही अच्छी। अब मो कभी अमेरिका भी जाना हुआ तो अपनी रेलगाड़ी से लेकर जाऊंगा। अरे राधे श्याम जी, रेलगाड़ियों के भी तो एक्सीडेंट होते हैं। ये भी है, ये भी होता है भाई। ये तो तूने ठीक कही, ठीक ही कह रहा हूँ। निकल जाऊंगा भाई।